Am I audible, guys? यस सर। एनी डाउट? लास्ट लेक्चर नोट्स? गो थ्रू योर लास्ट लेक्चर नोट्स बेटा। So no doubts, beta. So if you're not having any doubts, we can start stereoisomerism. Yes. Stereoisomerism. गाइज इफ यू रिकॉल हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो इनिशियली क्लासिफिकेशन लिखा वहां डेफिनेशन भी लिखा हुआ था है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा स्ट्रक्चर्स भी सेम होंगे केवल क्या डिफरेंट होता है बेटा अरेंजमेंट्स है ना ओरिएंटेशंस तो इसमें हम लोगों ने क्लासिफाई भी किया था कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में है ना कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में फिर फर्दर हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में क्लासिफाई किया तो बहुत सारी चीजें हमने इस तरह से कर रखी है बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट दिस इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो नॉलेज लेंगे वो किस चीज का एक होता है जिसको बोलते हैं फ्री रोटेशन रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट बॉन्ड फ्री रोटेशन विल टॉक अबाउट दिस और एक हम लोग बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या फिर इसको बोलते हैं हिंडर्ड रोटेशन ठीक है इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं जैसे फ्री रोटेशन के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इधर लिखेंगे रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये दो केसेस हैं देखो हाँ अब आप ध्यान से सुनिएगा बेटा जैसे रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एक एग्जांपल पिक करते हैं हम यहां पर इथेन इथेन का ये फॉर्मूला है ठीक है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन sp3 sp3 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन sp3 sp3 ये बॉन्ड क्या है सिग्मा बॉन्ड है पाई है सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और एक्सियल ये जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड गाइस सो दिस सिग्मा बॉन्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप रोटेट करो अबाउट दिस सीसी बॉन्ड राइट तो क्या कोई बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा आंसर है नो नो कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ में चेंज आएगा आंसर है नो क्यों कोई चेंज आएगा मतलब मैं इसको घरेलू एग्जांपल आपको देता हूं आप समझ लो कि आपके पास एक पेन होगा जो भी पेन आपके पास है उसमें कैप लगी होगी है ना ऐसे तो आप बस पेन को होल्ड करो और इस कैप को घुमाओ तो कोई चेंज ऐसा तो है नहीं पेन की लेंथ बदल जाएगी हाँ कैप बाहर नहीं निकालना है केवल रोटेट करना है उसको ठीक है एक और बात
रोलिंग नहीं करा रहे हम लोग, आप ये मत समझना कि कोई रोलर रखा हो उसको लुढ़का रहे हम लोग। वी आर कीपिंग वन कार्बन फिक्स्ड एंड वी आर रोटेटिंग द अदर वन, और इसमें कोई अच्छा जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो भी चेंज नहीं होगी भाई, ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ और अच्छे से आप समझ जाओगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लू CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको देखो, इसमें ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसकी बात कर रहे हैं, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 और ये बीच में बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ वन सिग्मा एंड वन पाई। सिग्मा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सी, ये था बीच में कार्बन है और ये तीन उसके ऑर्बिटल्स sp2 वाले, यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ पर H रख दिया, और फिर इसी तरह से दूसरा कार्बन यहाँ पर लेटस से CH3 रख दिया, यहाँ H रख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनके परपेंडिकुलर जो P ऑर्बिटल होगा उसके बीच में हमने इस तरह से बॉन्डिंग कर दी, पाई बॉन्ड। ठीक, अब आपको अगर मैं बोलूं कि रोटेट मॉलिक्यूल अबाउट दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। आप ऐसे समझो कि आप अपने दोनों हाथ की फर्स्ट फिंगर्स को ऐसे आमने सामने रखो, पैरेलल रखो, और दोनों को रस्सी से बांध दो। अगर तुम इसको घुमाने को ट्राई करोगे, ठीक है, अगर इसको घुमाने को ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा बेटा, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है वो साइडवेज ओवरलैपिंग है, राइट, साइडवेज ओवरलैपिंग है। जैसे ही तुम एक को फिक्स करोगे, एक उंगली को, और दूसरी उंगली को घुमाना शुरू करोगे, तो वो साइडवेज रह नहीं जाएंगे, वो पैरेलल रह नहीं जाएंगे, तो उनमें जो बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी। लेकिन अगर आपने रस्सी से बांध दिया है तो क्या घुमाना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, मेरी बात समझे ना। तो वो रेजिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल। आप इसको ऐसा भी बोलेंगे कि जब आप व्हेन यू ट्राई टू रोटेट मॉलिक्यूल अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन The extent of overlapping will decrease. Maximum overlap कब होगा? जब pp orbitals एक दूसरे के parallel होंगे एकदम। जैसे ही आप घुमाना शुरू करोगे तो एक p orbital तो वहीं पर है और दूसरा घूम रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो parallel नहीं रह जाएंगे, तो extent of overlapping will decrease। और कोई molecule नहीं चाहेगा कि उनकी bonding की जो extent of overlap है वो decrease कर जाए, amount of overlap decrease कर जाए, तो वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा रोटेशन को। दूसरी बात, एक दूसरे वे में भी आप इसको समझ सकते हो कि इसमें क्योंकि ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है, कोई चीज आपको ब्रेक नहीं करनी पड़ रही है रोटेट कराने के लिए, जबकि यहां पर अगर आपको रोटेट करना है तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो बहुत ज्यादा है, करीब 268 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है, एंड दैट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन द एटमॉस्फियर। जबकि यहां पर बिकॉज हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड हियर इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर इथेन के लिए अगर मैं बोलूं तो एनर्जी कुछ 12.5 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लो एंड दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए ये जो रोटेशन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, फ्री रोटेशन। जबकि यहां क्या मिल रहा है तुम्हें, रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हिंडर्ड रोटेशन। ठीक है, तो इसको तुम पहले या तो कॉपी कर लो या मैं पहले नोट लिखा दूं दोनों के लिए, व्हाट यू वांट बेटा। सर विल कॉपी फर्स्ट देन विल, नो इश्यूज, कॉपी। डांस सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस। पहले मैं आपको नोट देता हूं बेटा फ्री रोटेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, लिखिएगा।
A sigma bond is formed by axial overlapping of orbitals. Axial overlapping of orbitals. Axial overlapping of orbitals. And sigma bond is cylindrically symmetrical. कैसा होता है? Cylindrically symmetrical. Cylindrically symmetrical about the bond axis. About bond axis. Cylindrically symmetrical about bond axis. ठीक है, वो जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है कि जब ये ओवरलैप करेंगे तो आपको ये काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल इज सिमेट्रिकल. यहाँ पर कार्बन है आपके पास जिसके अपने एच लगे हुए हैं, है ना, इधर भी एच लगे हुए हैं, इसके अबाउट ये एक्सिस है जिसके अबाउट आप रोटेशन दिखा रहे हो. ठीक है, तो बॉन्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल. सो व्हेन वी ट्राई टू रोटेट, molecule about carbon-carbon single bond, there is no change in the extent of orbitals overlapping, amount of overlap, जैसा भी आप लिखना चाहो, extent of overlapping या amount of overlap, ठीक है? There is no change in the extent of overlapping. So, molecule does not resist the rotation. There is no resistance for rotation. Whatever way you want, you can write. There is no resistance for rotation. And the energy required for rotation is very low. Very low. Bracket में आप लिख देना बेटा. For ethane, the energy barrier, that means energy required for rotation is 12.5 kilojoule per mole. अगर आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 3 किलो कैलोरी आ जाएगा. क्रॉस ये ब्रैकेट में आप लिख लेना वैल्यू डेटा. For ethane, the value is 12.5 kilojoule per mole, or we can say 3 kilocalorie per mole. So the energy required for rotation is very low, and that is available in the atmosphere. That is available in the atmosphere. That is available in the atmosphere. So rotation is considered as free rotation. Rotation of molecule about carbon-carbon single bond is considered as free rotation. Rotation is considered as free rotation. लिख लिया बेटा ये पूरा नोट? Yes. अब मैं दूसरा नोट बोलू बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के रिगार्डिंग. यस उसके लिए भी लिखिएगा.
इसमें लिखिएगा, अ डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ, अ डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी हमने लिख लिया है ना, लिखिएगा अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है, ठीक है। लैटरल ओवरलैपिंग, जिसको साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू पी ऑर्बिटल, यानी कि पीपी ऑर्बिटल, लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स साइडवेज ओवरलैपिंग। इफ यू ट्राई टू रोटेट, इफ यू ट्राई टू रोटेट मॉलिक्यूल, इफ यू ट्राई टू रोटेट मॉलिक्यूल अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन इफ यू ट्राई टू रोटेट मॉलिक्यूल अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन देयर विल बी अ डिक्रीज इन दी, देयर विल बी अ डिक्रीज इन दी decrease in the lateral overlapping, the extent of overlap will decrease, amount of overlap will decrease, and to produce maximum overlap of p orbitals, टू प्रोड्यूस, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल अपना ओवरलैपिंग कम क्यों करना चाहेगा, बॉन्डिंग क्यों वीक कराना चाहेगा, तो वो रेजिस्ट करता है, वही लिखा रहा हूं मैं आपको। टू प्रोड्यूस मैक्सिमम ओवरलैप पी ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल रेजिस्ट द रोटेशन, मॉलिक्यूल रेजिस्ट द रोटेशन, so rotation is not possible without breaking pi bond, so rotation is not possible without breaking pi bond, rotation is not possible without breaking pi bond, and for that huge amount of energy needed, 268 किलो जूल पर मोल लिख सकते हो बेटा। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, 268 किलो जूल पर मोल। एंड दिस इज नॉट अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, this is not available in the atmosphere, and that is why this rotation, what rotation of molecule about carbon carbon double bond, this rotation is considered as hindered or restricted rotation, hindered or restricted rotation,
सब लोगों ने लिख लिया बेटा? यस। एक और नोट लिखिएगा बेटा, जो पहला केस था ना जिसमें फ्री रोटेशन था, उसमें हम लोगों को मिलती है क्या? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन, आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन इज कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और फिर दूसरा नोट यहां क्या लिख देंगे बेटा? आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लुक एट द स्क्रीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला नोट हमने बोला है यहां पर कि आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू, आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और फिर दूसरा हमने यहां पर लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। गाइस एक बार आप रीड कर लो जो कुछ आपने लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल पे जाएंगे। तो पहले हमने एक डिफरेंस देख लिया है ना कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहां से अराइज होती है और ज्योमेट्रिकल कहां से अराइज होती है। तो इसीलिए वो फ्री रोटेशन और हिंडर्ड रोटेशन का कॉन्सेप्ट पहले लर्न किया हमने। Now we will talk about conformational stereoisomerism in detail. एक बार इससे पहले सारे जो आपने नोट अभी तक लिखे हैं उनको देख लो बेटा। फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं। चलो लिखो बेटा इसके बारे में, एक छोटा सा नोट लिखते हैं। देखो आपको हल्का सा हिंट पहले दे देता हूं, ऑल्दो डिस्कशन के लिए थोड़ी और डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी। हिंट ये कि जैसे आप रोटेट करोगे ना कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट, सिंगल बॉन्ड के अबाउट, तो ये जो इसके दूसरे जो ग्रुप्स और एटम्स होंगे उनका आपस में जो है ना वो ओरिएंटेशन चेंज, जैसे ये मान लीजिए कि एक सिचुएशन ऐसे लेते हैं, इमेजिन करिएगा कि ये एच और एच इनके बीच में आपस में कोई एंगल होगा, आपने क्या किया इस कार्बन को फिक्स कर दिया और इसको रोटेट करना शुरू किया, तो वो 1 डिग्री एंगल पे हो सकते हैं, 2 डिग्री एंगल पे हो सकते हैं, 3 डिग्री एंगल पे हो सकते हैं, कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज है बेटा, इसको लिमिट कर सकते हैं क्या? नहीं। कितना आएगा? इन्फिनिट। ठीक है, तो इन्फिनिट इनको बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। लुक एट द स्क्रीन नाउ, और इन्हीं को हम नाम देते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो नोट लिखिएगा बेटा, इन्फिनिट स्पेशल अरेंजमेंट, SPATIAL, इन्फिनिट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स, ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल that we get from rotation
ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इन्हीं का दूसरा नाम है, और करके आप लिख सकते हैं कॉन्फॉर्मर्स। स्पेलिंग बटा सामने देखो स्क्रीन पे बार बार, हाँ कॉन्फॉर्मर्स। इसके अलावा इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशंस। इनमें से कुछ भी लिखा होगा वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात कर रहा है इसका मतलब। इसके अलावा हम लोग इसको रोटामर्स भी बोलते हैं। लिख लिया बेटा इतना? यस। इसके आगे लिखिएगा दीज कन्फॉर्मर्स आर इंटरकन्वर्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। दीज कन्फॉर्मर्स आर इंटरकन्वर्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इंटरकन्वर्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। Conformers exist as a mixture. Conformers exist as a mixture in dynamic equilibrium. Conformers exist as a mixture in a dynamic equilibrium. Where More stable conformers are present in greater proportions. More stable conformers are present in greater proportions. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, एक तो इनफिनिट नंबर होने की वजह से क्या होगा, अगर कहीं क्वेश्चन आया राइट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें हम इनको ऐड नहीं करते, नहीं तो क्या होगा कि फॉर सब सब हो तो फिर सब इन्फिनिटी हो जाएगा। कुछ भी पूछा गया हो तो आप तो इन्फिनिटी हमेशा लिख के चले आओगे, तो इनको हम काउंटिंग में नहीं लेते हैं, इनको केवल स्टडी करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सेपरेटली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं करना कि आप इसमें कन्फर्मेशनल ऐड कर दो जब टोटल नंबर पूछा जाए, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो आइसोमर्स है इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते, आइसोलेट नहीं कर पाते, ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइसोलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, तो इसीलिए वो फटाफट, और दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते किसी कंटेनर में कोई एक कन्फॉर्मर भर दिया और आपने दूसरे कंटेनर में दूसरा, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। हाँ, आप ये जरूर बता पाओगे कि ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यस, हाँ yes, अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। गाइस, टू अंडरस्टैंड दीज कन्फॉर्मेशंस कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इन अ बेटर मैनर, दो प्रोजेक्शंस जानने की जरूरत है। अब ये प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, तो हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं पहले, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। इथेन एग्जाम्पल लेंगे, फिर उससे जो है दूसरे बड़े
एल्केन्स की तरफ जाएंगे, फिर कुछ भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट विल बी इजी फॉर यू टू डील विद एनी सिचुएशन। इथेन पे आते हैं, तो इथेन हम सब जानते हैं बेटा ऐसा होता है। अब देखो जैसे ये है, तो एक्चुअली में तो अपने को मालूम है कि भाई ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल एंड ऑल वो 109 डिग्री 28 मिनट, सब आइडिया है, लेकिन वो सब थ्री डायमेंशनल है। जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए हमें स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल चाहिए, जिसको हम पेपर पर ड्रॉ करें, और पेपर पर ड्रॉ करके कैसे रोटेशन होगा वो कैसे करें, तो वो तो पॉसिबल नहीं ना। आप पिक्चर थ्री डायमेंशनली देख सकते हो, ठीक है, थ्री डायमेंशनली रोटेट होते हुए देख सकते हो, लेकिन वही चीज पेपर पे कैसे दिखाएं लोगों को, कैसे उसको एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए क्या किया गया है, कुछ रिप्रेजेंटेशंस बनाए गए। थ्री डायमेंशनल जो पिक्चर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशंस है टू डायमेंशनल पेपर पे, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हाँ, तो विल टॉक अबाउट टू प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब ये है क्या, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है कन्फॉर्मर्स के, थ्री डायमेंशनल पिक्चर टू डायमेंशनल पेपर पे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। ऐसे दो जो हैं हमें पढ़ने हैं, एक को नाम देते हैं सोहॉर्स प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन, और दूसरे को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। सोहॉर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, आप इसको ऐसे सोचो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल को तुम अगर इसको ऐसा सोचो कि इसको इसको देखोगे कैसे, तो ये जो सीसी बॉन्ड है ना, इसको वो टिल्टेड वे में देखता है, ऑब्लिक एंगल पे। तो आप इसको, इट्स लाइक कि ऐसा आप एक बॉन्ड बनाते हो, और जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सोहॉर्स प्रोजेक्शन में ये जो आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया, इसमें कहीं कार्बन लिखा नहीं होगा, ये ऑब्लिक एंगल है, और जो जो एंड पोजीशंस है, एंड पॉइंट्स है, वही एक्चुअली कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हर एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स होंगे एसोसिएटेड बेटा? थ्री बॉन्ड्स, तो वो जो थ्री बॉन्ड्स हैं उनको हम लोग सिमेट्रिकल मैनर में 120 डिग्री पर डाल देते हैं। याद रखना ये एक्चुअल एंगल नहीं होता, ये केवल थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल का टू डायमेंशनल पेपर पर रिप्रेजेंटेशन है, तो सिमेट्रिकल दिखाने के लिए ये 120 एंगल पे होने चाहिए। मेरी बात समझ में आई बेटा? फिर इसी तरह से दूसरी तरफ वाले कार्बन के भी तीन बॉन्ड्स होंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे जो जिस तरह से ये एच मूव कर रहा है उसी एंगल पे यहां का भी एच हमने दिखा दिया, ऐसा, मतलब ये एच और ये एच पैरेलल हो गए, फिर ये एच के पैरेलल हम इधर डाल सकते हैं, फिर इस एच के पैरेलल हम लोग इधर डाल सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है बेटा? ये हमारा जो पहला वाला फॉर्म बना ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर। अच्छा, इसके नाम में ही सब कुछ समझ में आएगा, एक्लिप्स क्या होता है, है ना, एक्लिप्स क्या होता है। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको फ्रंट वाला सी एच तो दिख रहा है, बैक वाला उसके पैरेलल है तो नहीं दिखेगा, यही तो एक्लिप्स है, ठीक है, इसीलिए इसको हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर कहते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, वी विल कीप वन कार्बन फिक्स्ड और इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे कन्फॉर्मर्स आ रहे हैं, लेकिन हम ड्रॉ किसको करेंगे, हम एक्सट्रीम्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा, उसी तरह से यहां पर भी हम एक्सट्रीम्स को पढ़ेंगे। सो अगर हम इसको 180 घुमा दें तो तुम्हें नहीं लगता है ये इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा?
इसको हम एसच, कोई चेंज नहीं इसमें, और जो ये वाला है इसको घुमाया तो इसके पैरेलल हमको यहाँ पर इधर ड्रॉ करना पड़ रहा है, फिर इसके हिसाब से इधर ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है, और फिर ये जो ऊपर की तरफ जा रहा था ये इसके लिए आया तो ये नीचे की तरफ आ गया। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? तो अब ये सिचुएशन को समझ लो ऐसी है ना, ये और पहले वाले में ये एक दूसरे के समझ लो पैरेलल वाली सिचुएशन है ऐसा। तो ये दूसरा जो फॉर्म आया इसको हम लोग स्टैगर्ड कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। अभी इनका और भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, ये तो शुरुआत का टाइम है, ठीक है। देखो कुछ नया आएगा, अनकंफर्टेबल भी आप होंगे क्योंकि सब ऐसा जाना पहचाना नहीं है, सब नया नया साइंस आ रहा है, तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट अगर ध्यान से देखोगे तो एक टाइम के बाद बड़ा स्मूथ हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने दो इस तरह से एक्सट्रीम्स बनाए हैं। क्या कोई बता सकता है इन दोनों के बीच में कितने कन्फॉर्मर्स होंगे बेटा? इनके बीच में इन्फिनिट कन्फॉर्मर्स होंगे, और उनको हम लोग नाम देते हैं स्क्यू कन्फॉर्मर्स, ठीक है। जो इंटरमीडिएट इन बिटवीन जो कन्फॉर्मर्स बन रहे होंगे उनको स्क्यू कन्फॉर्मर्स कहते हैं। ये सोहर्स प्रोजेक्शन है। अब न्यूमैन को ध्यान से देखो, मैं आपको इजी स्टाइल सिखाता हूँ न्यूमैन के बारे में कैसा सोचें। अगर सोहर्स आपको आ गया कि वो सीसी बॉन्ड को जो है हम ऑब्लिक एंगल पर रखते हैं, एक यू नो स्लाइटली एलोंगेटेड वे में, डायगोनली टाइप में, और फिर उसके बाद दो जो एंड्स होते हैं उन्हीं को कार्बन बोलते हैं, और वहां पर हम तीन तीन बॉन्ड्स ड्रॉ कर देते हैं 120 पे। न्यूमैन प्रोजेक्शन में इमेजिन करो आपके पास पेन होगा जैसे, तो आप पेन वॉल की तरफ पॉइंट करो, और जैसे मान लो ये पेन है और वॉल इधर है, तुमने इधर से टॉर्च इसके ऊपर डाली लाइट प्रोजेक्ट की, तो बताइए कि वॉल पे आपको कैसी इमेज नजर आएगी? हाँ, डॉट दिख सकता है, सर्कल दिख सकता है, डॉट दिख सकता है, सर्कल दिख सकता है, ये एक सिंपल सी बात है भाई, तुमने लाइट ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ये जो चीज है वही तो इमेज बन के यहाँ जाएगी, तो डॉट या सर्कल आपको नजर आएगा, है ना। वही चीज आप यहाँ पर विजुलाइज करो, ये जो बॉन्ड्स दिए हुए, ये जो बॉन्ड्स हैं, आपने समझ लीजिए यहाँ से देखना शुरू किया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे न्यूमैन को ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और एक डॉट बनाते हैं, ठीक, और जो फ्रंट कार्बन है वो डॉट और जो बैक कार्बन है वो सर्कल। फ्रंट कार्बन के तीन बॉन्ड्स वो ड्रॉ कर दिए। देखो ये मैं बॉन्ड छोटे बड़े हो जाते हैं वो मेरा है, ऐसा आपको यूनिफॉर्म बनाना है। बैक कार्बन हमको दिख नहीं रहा है ना, बैक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बट फिर भी दिखाने के लिए हम ऐसे एच बना देंगे, ठीक है, केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये कौन सा हो गया बेटा? ये न्यूमैन में एक्लिप्स कन्फॉर्मर हुआ, दिस इज एक्लिप्स कन्फॉर्मर। अच्छा, अब अगर इसका हमें स्टैगर्ड ड्रॉ करना है तो वो कैसा दिखाई देगा? बहुत सिंपल है, एच एच एच, यहां पर एच आ जाएगा, एक एक इधर होगा और एक इधर आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैगर। हम लोग ज्यादातर बिकॉज वी विल बी मोर कंफर्टेबल विद न्यूमैन प्रोजेक्शन तो हम लोग उसमें ज्यादा डील करेंगे, बट आना अपने को दोनों चाहिए, वो क्वेश्चन किसी भी स्टाइल से पूछे हमको वो करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको ड्रॉ कर लो बेटा, फिर और थोड़ा से इसकी डिटेल करते हैं हम लोग। ये इधर कुछ लिखना है बेटा आपको? नो सर। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल ऑन टू डायमेंशनल पेपर देर आर यू नो रिप्रेजेंटेशंस जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, एंड देर आर टू प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, वन इज सोहर्स प्रोजेक्शन।
सर सॉर्स प्रोजेक्शन में जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसको रोटेट कैसे किए हैं? हम लोग इस कार्बन को फिक्स करते हैं और इसको हाँ इसको रोटेट करते हैं बॉन्ड को, तो ये समझ लो एंटी पैरेलल हो गया। यस डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस। चल इसके लिए एक नोट लिख लो बेटा, सॉर्स प्रोजेक्शन के लिए। इसमें लिखिएगा सोहर्स प्रोजेक्शन इज टेकन बाय, सोहर्स प्रोजेक्शन इज टेकन बाय लुकिंग डाउन टू सी सी बॉन्ड फ्रॉम एन ऑब्लिक एंगल। सोहर्स प्रोजेक्शन इज टेकन बाय लुकिंग डाउन टू द सी सी बॉन्ड फ्रॉम एन ऑब्लिक एंगल such that CC bond is presented diagonally CC bond is presented diagonally slightly elongated from lower left to the upper right. Presented diagonally, slightly elongated from lower left to the upper right. The remaining three bonds at each carbon are represented by three lines. Three lines originating from carbon at an angle of 120 degree to each other in a symmetrical manner, at an angle of 120 degree to each other. Can you go for last? Likh liya beta? Sir, ek baar repeat karenge. उदय बेटा एक बार रिपीट कर दो जो भी मैंने पूरा बोला है। यस, सॉहर्स प्रोजेक्शन इज टेकन बाय लुकिंग डाउन टू सीसी बॉन्ड फ्रॉम ऑब्लिक एंगल सच दैट सीसी बॉन्ड इज प्रेजेंटेड डायगोनली स्लाइटली एलोंगेटेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। द रिमेनिंग थ्री बॉन्ड्स एट ईच कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री लाइन्स originating from carbon at an angle of 120 degree to each other. Very good. Newman projection ke liye note bolo beta. Yes. The Newman projection is taken by observing the molecule. The Newman projection is taken by observing the molecule by end on view, आप ऐसा लिख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा, आप यहां पर खड़े हो, टॉर्च वाला भी एग्जाम्पल दिया आपको, आप यहां पर हो, ये आपको H वगैरह दिख रहे हैं, यहां पर भी H दिख रहे हैं, तो ये आप यहां से देख रहे हो,
तो आपको जो इमेज नजर आएगी उसी की बात कर रहे हैं। लिखिएगा फर्दर एंड ऑन व्यू के बाद, द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड द बैक कार्बन बाय सर्कल, बाय सर्कल एंड द डॉट इज एट द सेंटर। The three bonds of the front carbon, the three bonds of the front carbon are represented by three lines. The three bonds of the front carbon are represented by three lines originating from the center. Center of the circle at what angle? 120 degrees to each other. Huh? The three bonds of the back carbon, the three bonds of the back carbon are represented, the three carbon of the back carbon, the three bonds of the back carbon are represented by three lines at the periphery of the circle, at the periphery of the circle, again 120 degree to each other, 120 degree to each other. ठीक है, ऑलरेडी देखो मैंने आपको समझा दिया था बेटा सोर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन, केवल हल्का सा लिखा दिया है। आप मेन चीज जैसे मैंने आपको समझाया ड्रॉ करने का उसी स्टाइल में रखना, हम लोग ज्यादा डील करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो लेट मी ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। तो मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं बेटा। अपने को मालूम है कि ये एक्लिप्स कंफॉर्मर है, फिर मैंने क्या किया इसमें बेटा 60 डिग्री का रोटेशन दिया, 60 डिग्री का मैंने इसमें रोटेशन दिया, तो ये कैसा दिख जाएगा? ऐसा। ठीक है, ये अब ये क्या मिल गया आपको? स्टैगर। फिर मैंने 60 डिग्री का इसमें रोटेशन दिया, देखोगे तो ये वापस किस तरह का एक्लिप्स, वापस आपको वही एक्लिप्स्ड मिल गया। फिर आप इसमें 60 डिग्री का रोटेशन दो, स्टैगर, वापस स्टैगर्ड मिल जाएगा। आप लोग सोचोगे कि ये बार बार क्यों घुमा रहे हैं, तो वो इसलिए घुमा रहे हैं कि जब ये एच 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 नहीं रहेगा, कुछ और ग्रुप आ जाएगा, तो ये सारे डिफरेंट हो जाएंगे। अभी तुम्हें वो सेम लग रहे हैं, लेकिन स्टडी हम अभी से करके सारा रखेंगे। ये वापस एक्लिप्स्ड मिल गया, फिर आपने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, ऐसे कितने हमको रोटेशंस दिखाने पड़ेंगे बेटा? काउंट करो, सिक्स है ना, 360 तक तो जाने ही घुमा करके। ठीक, अब इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना कि ये जो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड है इनमें डिफरेंस किस चीज का है? इनमें डिफरेंस है स्टेबिलिटी का। अब वो स्टेबिलिटी के लिए जो मेन फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है? तो ये याद है केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने बॉन्ड पेयर रिपल्शन पढ़ा था,
इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन याद है? यस हाँ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन हम लोगों ने वहां पर पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मेन जो है स्टेबिलिटी के लिए। तो आप देखोगे तो जो एक्लिप्स्ड कंफॉर्मर है उसमें जो फ्रंट कार्बन का सी एच है और जो बैक कार्बन का सी एच है उनका बॉन्ड पेयर क्लोजेस्ट है। कांट यू विजुलाइज? यस ठीक है, तो वो जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन आया है ना, वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम कब होगा? जब वो स्टैगर्ड फॉर्म में होगा। मानते हो कि नहीं? हाँ सर, दूर दूर चलिए। है ना। अब कोई बोलेगा सर आपने 60 डिग्री एंगल क्यों लिया, आप और ले लो ना बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम करने के लिए, तो लेकिन भूल जाओगे, फिर वो इसके क्लोज नहीं आ जाएगा। यस, यानी कि ये बेस्ट पोजीशन है उस बॉन्ड के लिए जिसमें वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम है। ठीक है, किसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन मैक्सिमम है बेटा? एक्लिप्स्ड कंफॉर्मर में। बीच में भी होगा लेकिन वो मैक्सिमम एक्लिप्स में है और मिनिमम स्टैगर्ड में है, उसको हम लोग नाम देते हैं एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या फिर इसी का दूसरा नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन इसको हम लोग टॉर्शनल एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं तो बोलते हैं टॉर्शनल एनर्जी। टॉर्शनल एनर्जी जिसको आपने इथेन के लिए कितना लिखा है बेटा? 12.5 याद है? यस सर, 12.5 किलो जूल पर मोल। या फिर इसको इसको हम लोग एक और नाम देते हैं पिट्जर स्ट्रेन। मेनली हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन करके बुलाएंगे, एग्जाम्स में भी वही आने के ज्यादा चांसेस है, तो ये आप लिख लीजिएगा बेटा। सर आपने टॉर्शनल स्ट्रेन बोला बेटा, मैं लिखाता हूँ उसके लिए, नोट लिखाता हूँ। ये ड्रॉ कर लिया आपने पूरा पिक्चर? यस सर। हाँ, तो एक नोट लिखिएगा बेटा, लिखिएगा एक्लिप्स कंफर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन while staggered conformation is most stable conformation. Conformation वही conformational isomer. Eclipsed conformer is least stable conformer and staggered conformer is most stable conformer. Here the stability is decided by eclipsing strain. Torsional strain. And the torsional strain is due to bond pair repulsion. Torsional strain is due to bond pair repulsion. Torsional strain is due to bond pair repulsion. And that is maximum for eclipsed conformer and minimum for staggered conformer. Maximum for eclipsed conformer and minimum for staggered conformer. इसीलिए आपने स्टार्टिंग में लिखा कि eclipsed conformer is least stable conformer and staggered conformer is most stable conformer. Clear है बेटा? एक बार repeat.
उदय बेटा जरा एक पूरा स्टेटमेंट बोल दो इनके लिए। यस सर, एक्लिप्स कंफर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन एंड स्टैगर्ड कंफर्मर इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मर। हियर स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन इज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड इज मैक्सिमम फॉर एक्लिप्स कंफर्मर एंड मिनिमम फॉर स्टैगर्ड कंफर्मर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अगर आप आपसे मैं पूछूं कि बेटा बताइए कि हमको एक्लिप्स कंफॉर्मर किस किस एंगल पे मिल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल होता है ना इसको हम लोग डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाईहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल, डी आई एच ई डी आर एल, डायहेड्रल एंगल। तो डायहेड्रल एंगल कंफर्मर एक्लिप्स के लिए क्या क्या है? 0 डिग्री, फिर कहाँ के कितना आएगा? 120, फिर क्या आएगा? 240। यानी कि 3 इक्विवेलेंट एक्लिप्स कंफर्मर यहाँ पर मिल रहे हैं। और स्टैगर्ड के लिए अगर मैं पूछूंगा तो क्या बताएंगे बेटा एंगल? 60। स्टैगर्ड के लिए, ये स्टैगर्ड नहीं है, स्टैगर्ड नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो मैं यही यहां लिख देता हूँ। स्टैगर्ड के लिए क्या है? 60 डिग्री, फिर 180, 300। दीज आर द 3 डायहेड्रल एंगल्स वेर यू गेट इक्विवेलेंट एक जैसे स्टैगर्ड कंफॉर्मर्स फॉर इथेन। ठीक है, ये भी आप हाईलाइट कर लो। अच्छा ये एक्सट्रीम्स हैं बेटा, हाँ, क्योंकि हम सारे तो स्टडी नहीं कर सकते इनफाइनाइट वाले, तो एक्सट्रीम्स को स्टडी करते हैं। एक्सट्रीम्स में जिसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन मैक्सिमम है और एक में बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम है, टॉर्शनल स्ट्रेन एक में मैक्सिमम है और एक में टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम है। इन बिटवीन जितने भी मिलेंगे उनको क्या नाम देते हैं बेटा? स्क्यू कन्फॉर्मेशन। याद है तो चाहिए तो उसके भी नोट लिख लो कि ऑल इंटरमीडिएट कन्फॉर्मेशन between eclipse and staggered are called skew conformations. All intermediate conformations between eclipsed and staggered are called skew conformations. डन? नो सर। वन डन सर। अभी अगर हम लोग यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें इन एक्सट्रीम्स के लिए, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे सीधे सीधे स्टैगर्ड ग्रेटर देन एक्लिप्स्ड। और अगर एनर्जी ऑर्डर यानी पोटेंशियल एनर्जी को ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी कम, एक्लिप्स ग्रेटर देन स्टेबल। यस। अब अगर मैं आपको इसमें बोलूं कि ऐसा करो कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करो, मतलब यहां मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट कन्फॉर्मर्स के और यहां पर आप कन्फॉर्मेशंस बना सकते हो या फिर डायहेड्रल एंगल लिख लो, वो उसी को रिप्रेजेंट कर देगा। तो 0 डिग्री जब डायहेड्रल एंगल था तो कौन सा कन्फॉर्मर था बड़ा? याद है ना, एक्लिप्स्ड। फिर 60 डिग्री पे आए तो क्या आ गया हमारे पास? स्टैगर्ड आ गया। यहाँ पर हमारे पास स्टैगर्ड आ गया। फिर हम लोग 120 पे गए तो क्या आ गया बेटा? वापस एक्लिप्स्ड आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर 180 पे गए तो क्या आ गया? स्टैगर्ड आ गया।
फिर हम लोग कितने पे गए, 240 पे एक्लिप्स आ गया, फिर 300 पे गए तो क्या आ गया, स्टैगर्ड आ गया, फिर 360 पे गए तो वापस एक्लिप्स आ गया। और ये जो अगर आप वैल्यू ध्यान दें तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है 12.5 किलो जूल पर, तो आप ग्राफ में भी उसको दिखा सकते हैं। भाई जब आपके पास डेटा है तो क्यों नहीं उसको यूज करेंगे, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप इसको ज्यादा अच्छे से बना सकते हो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है सर। स्टैगर्ड पे एनर्जी जीरो हो जाएगी, रिलेटिवली हम लेते हैं बेटा। यस, इस तरह से आप पूरा ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लो बेटा। अब इसी तरह का पूरा एनालिसिस हम लोग ब्यूटेन के लिए करेंगे। अपने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। इन द सेम मैनर वी विल राइट कन्फर्मेशंस ऑफ या कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन बड़ा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर CH3, CH2, CH2, CH3, तो इसमें क्या है कि आप ये बॉन्ड भी ले सकते हो कार्बन वन और कार्बन टू के बीच का, फिर कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच का भी बॉन्ड ले सकते हो आप रोटेशन के लिए, या फिर ये और ये। लेकिन ये जो 3-4 और 1-2 तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो लेने वाले हैं वो ये बॉन्ड है। तो जब तक वो आपको बॉन्ड नहीं बताएगा कि किसके अबाउट आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो, तो फिर आपके लिए वो कंफर्मेशन बताना पॉसिबल नहीं है। यानी वो क्वेश्चन में आपको देगा कि रोटेट मॉलिक्यूल अबाउट C2C3 बॉन्ड। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, रोटेशन अबाउट C2C3 बॉन्ड, ये हाईलाइट करके रखना है कि हमें ये करना है। अब इसके लिए हमें डिफरेंट कन्फर्मेशंस बताने हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, और उसके बाद आपको सीधे सीधे वो ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो इसको देखो मैं करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज जो हर एक स्टूडेंट को यहाँ करनी है कि वो जो कार्बन है इनके जो ग्रुप्स हैं, जरूरी नहीं हर बार वो एटम ग्रुप्स हैं, उनको हाईलाइट कर ले। जैसे देखिएगा तो सी टू जो कार्बन है उसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ, एक मिथाइल है, फिर एक एच है, फिर एक एच है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बेटा? यस सर। फिर इसी तरह से दूसरा जो हमने कार्बन चूज किया अपना बॉन्ड का, उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड है? Yes, एक मिथाइल है, एक एच है और एक एच है। क्या आप समझ पाए सारे बच्चे? Yes। And we are going to rotate molecule about this CC bond। ठीक है, अब इसके डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस को ड्रॉ करना है। देखो हमने शुरू यहां से किया,
ये यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर H, ठीक। ये हमारे लिए एक्लिप्स वाला कंफॉर्मर हो गया। फिर 60 डिग्री रोटेशन देंगे तो स्टैगर्ड जैसा आएगा, लेकिन वो फीलिंग्स आपको नहीं आएगी स्टेबिलिटी वाली जैसी पहले आई थी, क्योंकि अभी भी CH3 उतना दूर नहीं है जितना हो सकता है। फिर हमने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, वापस हमें पैरेलल हो गए, यानी क्लोजेस्ट हो गए ग्रुप्स। ऑल्दो इस बार एच सी एस थ्री के पास है, CH3 आपस में पास नहीं है। फिर 60 डिग्री का रोटेशन दिया, तो इस बार ये हमारी बेस्ट सिचुएशन आ गई। क्या आप देख पा रहे हो CH3 फार्दस्ट अपार्ट है। फिर यहां हमने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, तो आप देखोगे एच एच CH3, यहां भी हम CH3 ऐसा एच और एच लिख देंगे। फिर 60 डिग्री का रोटेशन देंगे, आप सब यूनिफॉर्म वे में ड्रॉ करना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं। फिर आपने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, ठीक। अब इसको एनालाइज करो, इसको स्टडी करो। तो इसको स्टडी करने से क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने जिनको हम स्टैगर्ड बोला करते थे कभी, वो इक्विवेलेंट नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट है, तो हम इनको सेम नाम नहीं दे पाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, एक चीज तो देखो, जो स्टेबल कंफॉर्मर होते हैं वो सारे के सारे स्टैगर्ड वाले हैं। उनकी खास बात होती है कि उन्हें बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो लीस्ट होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन, यानी कि एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। उसके साथ साथ देखोगे तो बेटा, इसमें तुम लोगों को जो CH3 है वो ऑपोजिट मिल रहा है, जो मिथाइल ग्रुप है वो फार्देस्ट अपार्ट है, और फार्देस्ट अपार्ट होने से क्या होगा बेटा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो हो रहा होगा वो भी मिनिमम हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेन यहां पर मिनिमम है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल बोलेंगे, ठीक है। यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन जिसको हम बोल सकते हैं वो भी हमारे लिए मिनिमम है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर ये मिला, इसको नाम दिया जाता है एंटी फॉर्म। ब्यूटेन में इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी फॉर्म, ANTI, एंटी फॉर्म। ऐसा कोई दूसरा है क्या इस पूरे उसमें, नो no। लेकिन कोई और दूसरे हैं जिनमें एक्लिप्सिंग स्ट्रेन मिनिमम है, वो कौन है, अगर मैं नंबरिंग कर लूं, टू, हाँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप वन उसी से शुरू करेंगे, जहां से शुरू किया हमने उसको वन कर दिया। तो आप अगर देखोगे तो सेकंड और सिक्स क्या लगता है तुम्हें, यही तो है ना, एक जैसे। इनको हम लोग नाम देते हैं गॉश कंफॉर्मर्स, गॉश कंफॉर्मर्स, ठीक है। सेकेंड वाला भी गॉश कंफॉर्मर और सिक्स वाला भी गॉश कंफॉर्मर है। अब बाकी देखोगे तो मेरे ख्याल से 1, 3 और 5 ये एक्लिप्स्ड वाले हैं, लेकिन क्या एक जैसे हैं, तो आप लोग नो, 3 और 5 एक जैसे हैं, 3 और 5 एक जैसे हैं, लेकिन फर्स्ट अलग है। सबसे ज्यादा एक्लिप्स किसको बोलोगे, पहले वाले को, बिकॉज वहां मिथाइल मिथाइल एक जैसे ग्रुप आगे पीछे हैं, इसको कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, या खाली एक्लिप्स भी लिखा होगा तो भी चलेगा, लेकिन इनको हम फुल्ली एक्लिप्स नहीं बोल सकते बड़ा, इनको क्या बोलेंगे, पार्शियली एक्लिप्स,
और इस फिफ्थ वाले को भी वही नाम देंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर मान लीजिए इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़े, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एंटी फॉर्म ग्रेटर देन, हाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंटी फॉर्म ग्रेटर देन गॉश फॉर्म ग्रेटर देन पार्शियल इक्लिप्स, इक्लिप्स, वेरी गुड बेटा, ग्रेटर देन फुल्ली इक्लिप्स। हाँ देखो मैंने अभी कहा था ना कि आपके लिए इनिशियली ये थोड़ा नया नया लगेगा, फिर आप जब कंफर्टेबल हो जाओ तो खुद डील करना शुरू कर दोगे। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसका एनर्जी ऑर्डर उल्टा कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यस, क्लिप्स्ड कंफॉर्मर ग्रेटर देन पार्शियली एक्लिप्स्ड ग्रेटर देन गॉश फॉर्म ग्रेटर देन एंटी फॉर्म। चलो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां से शुरू करना है ना कॉपी करना? यस सर, ये हो गए, हटा दें बेटा इसको। नो सर, 2 मिनट्स। सर हमने वो गॉच फॉर्म क्यों बोला? एक नाम दिया है उसको, एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके सर, ये एक फ्रेंच वर्ड है गॉशियर, उसका मतलब होता है टू टर्न एसाइड। उसके बेसिस पे इसको नाम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, नाम कोई भी हो, वो जो हमने स्टैगर्ड जैसा दिखा था जिनमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम थे, क्लिप्सिंग स्ट्रेन मिनिमम थी, उसको एक नाम दे दिया। वो एक्स हो सकता था, वाई हो सकता था, जेड हो सकता था। नहीं बेटा, क्योंकि एक्लिप्सिंग स्ट्रेन जिनमें मिनिमम है वही ज्यादा स्टेबल फॉर्म्स होंगी। सो तो पार्शियल इक्लिप्स में तो CH3 दोनों ज्यादा दूर है गॉश से। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से आ रहा है। तो जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो 60 डिग्री जब बॉन्ड्स होते हैं आपको इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो आप उसमें एक्लिप्सिंग स्ट्रेन को मिनिमम कहते हैं। और वो कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, 2 में मिल रहा है, फिर आगे जाएंगे तो 4 में मिलेगा एक्लिप्सिंग स्ट्रेन मिनिमम, फिर 6 में एक्लिप्सिंग स्ट्रेन मिनिमम होगा, जिसमें प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम मिल जाता है 4 में, इसीलिए 4 मोस्ट स्टेबल यहाँ हो गया। लेकिन अगर स्टेबल फॉर्म ली जाएंगे तो हर किसी केस में 2, 4 और 6 को हम स्टेबल फॉर्म्स बोलेंगे। यस सर। सर गॉश फॉर्म में CH3 क्लोज है इसलिए वो ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन दिखाता था एज कम्पेयर टू एंटी फॉर्म। नहीं, दो टाइप के स्ट्रेन बताया मैंने, दो टाइप का, एक टॉर्शनल स्ट्रेन जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से आया वो 2, 4 और 6 में एक जैसा है, लेकिन 6 में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम हो गया तो ये उसको बोनस मिला, इसकी वजह से वो मोस्ट स्टेबल हो गया। यस डन सर, हटा दे बेटा, सबने कॉपी कर लिया।
यस सर। ये भी कॉपी कर लो फटाफट। डांस इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी और यहां क्या लिखेंगे, डायहेड्रल जीरो डिग्री पे क्या था बेटा, फुल्ली एक्लिप्स है ना, फुल्ली एक्लिप्स। जरूरी नहीं कि आपको इसका वैल्यू पता हो एनर्जी का, मैं लिख जरूर रहा हूं लेकिन इसको लेके इमोशनल नहीं होना तुम लोग, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां क्या है और ग्राफ ड्रॉ कर देना। फिर जब 60 डिग्री का रोटेशन देते हो तो तुम्हें गॉश फॉर्म मिलता है ना, तो मान लीजिए गॉश फॉर्म यहां पर, गॉश फॉर्म का एक्चुअली वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3.6 किलो जूल पर मोल है। फिर जब तुम फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन देते हो तो क्या मिलता है, पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स करीब करीब यहाँ फॉल करता है, उसके लिए जो एनर्जी है वो करीब करीब 16 किलो जूल पर मोल है। ये हमारे लिए पार्शियली एक्लिप्स्ड हो गया, ये वाला गॉश फॉर्म था। फिर जब यहां से हम लोग फर्दर 60 डिग्री जाते हैं तो क्या मिलता है बेटा, एंटीफॉर्म। फिर यहां से आगे 60 डिग्री पे जाएंगे तो क्या मिलता है, पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स मिला है। फिर फर्दर 60 डिग्री जाने तो क्या मिलता है, गॉश फॉर्म मिलता है। तो गॉश फॉर्म इसके पैरेलल ही हम लोग यहाँ पर बना लेंगे है ना, ऐसा। फिर 60 डिग्री जाने पे क्या मिलता है, वापस एक्लिप्स। वापस आपको यहाँ पर पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, पार्शियल एक्लिप्स पहुंचेंगे कि सर 90 एक्लिप्स, यहाँ पर पहुंच गए। तो इसका ग्राफ आप देखो कैसा आएगा, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ गए, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, है ना। आप और यूनिफॉर्म बना लेना, इतना अच्छा आप बना सकते हैं उतना अच्छा होगा। ये ड्रॉ कर लो बड़ा ग्राफ को, सर एंटीफॉर्म में सर जीरो ही होंगे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, जीरो रिलेटिवली लेते हैं बेटा, अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता, फिर भी हम जीरो मान करके अपने को एमजीएच बोलते हैं ना। हाँ सर रिलेटिव। यस डन सर, हटा दें इसको। यस सर। गाइस अब यहीं पर अगर मान लीजिए कि अपने को यही नॉर्मल ब्यूटेन ही दिया होता तो इसमें अगर, लेकिन वो ये कह देता कि नहीं आप रोटेशन दिखाइए C1 C2 के बीच में, तो C1 C2 के लिए आप क्या करते हैं, ये 1 2 हाईलाइट कर लिया, तो C1 में देखेंगे तो तीन बॉन्ड्स कौन से हो गए, ये और इधर क्या लिखना पड़ेगा हमको, HH, और एक बॉन्ड क्या होगा, ग्रुप कौन सा होगा, C2H5, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए जब, हाँ इसके लिए अगर हमको ड्रॉ करने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। अच्छा ये, या फिर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो दैट वो दोनों कवर हो जाएंगे। मान लीजिए कि प्रोपेन दिया हुआ है, ठीक है, प्रोपेन दिया हुआ है, तो प्रोपेन में भी एकदम इसी तरह का तुम्हें मिलेगा,
CH3 CH2 CH3। अच्छा उसमें कोई बॉन्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर से करो या इधर से, वो सेम ही मिले, आइडेंटिकल बॉन्ड है। तो मान लीजिए कि हमने ये चूज किया, तो फिर देखो एग्जैक्टली जैसे ऊपर मैंने लिखा था C1 C2 ब्यूटेन का, इसमें भी वैसे ही मिलेगा, एक बल्की ग्रुप दिख रहा है और दो एच है, इधर तीनों एच है। तो मैं क्या करता हूँ प्रोपेन के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, एग्जैक्टली वही समझ लेना ब्यूटेन के लिए हो जाएगा C1 C2 बॉन्ड रोटेशन पे, केवल यहाँ मिथाइल और इधर इथाइल है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? यस यस। हाँ जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको चूज किया और अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता आपने फ्रंट कार्बन पे CH3 बना रखा है या फिर बैक कार्बन पे CH3 बना रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुमने एक्लिप्स, तुमने न्यूमैन प्रोजेक्शंस के थ्रू ये सब दिखाया है या फिर स्टैगर्ड के थ्रू दिखाया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर ये CH3 लेता हूँ है ना, यहाँ पर H ले लेता हूँ, यहाँ H ले लेता हूँ, आप उल्टा कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर मैंने H ले लिया, यहाँ पर H ले लिया, यहाँ H ले लिया, ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा? एक्लिप्स कन्फॉर्म, एक्लिप्स्ड कंफर्मर। अब यहां केवल एक चीज ये विजुलाइज करनी पड़ेगी सिचुएशन कि क्या जो स्टैगर्ड वाले मिलते हैं वो इक्विवेलेंट मिलते हैं। लेट्स सी, ये इसको फिक्स्ड रखते हैं है ना, फ्रंट वाले को और बैक वाले को हमने घुमा दिया, फिर 60 डिग्री सेम, यहां पर एच आ गया, एच आ गया, एच आ गया, फिर 60 डिग्री, ब्यूटेन में आप C2H5 केवल लिखते चले जाएंगे और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होना। ये मैं इसलिए कर रहा हूं हर चीज क्योंकि आपको कुछ भी अब दे दे, कुछ भी आपको दे दे, कैसा भी एल्केन दे दे, आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा ये सब ड्रॉ करना। क्यों? आपको केवल वो दो एटम्स आइडेंटिफाई करने, दो कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई करने जिनमें हमको क्या करना है बेटा, जिन जिन जिस बॉन्ड के बॉटम में रोटेशन दिखाना है, तो वो दो आइडेंटिफाई कर लिए, उनके एटम्स या ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, बस हो गया अपना काम। अब इसमें आप देखो तो आप देखोगे इसको हम सीधे सीधे स्टैगर्ड लिख सकते हैं क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है ना, ये स्टैगर्ड हो गया, ये स्टैगर्ड हो गया, ऐसा कुछ अब एंटी ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा है ना? और इसमें भी देखेंगे तो ये इसको हम लोग एक्लिप्स लिख सकते हैं, इसको एक्लिप्स लिख सकते हैं है ना, कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा है तीनों मतलब इसमें, और जो इससे पहले हमने इथेन का लिया था केवल ये जो सिचुएशन थी वो वैसी नहीं है कि एच एच आमने सामने थे, इसमें एक मिथाइल ग्रुप भी आ गया। और अगर नॉर्मल ब्यूटेन का वो वाला फॉर्म ले लेंगे तो उसमें मिथाइल आ जाएगा। तो अगर इसके लिए भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जैसा आपने किसके लिए ड्रॉ किया था बेटा, इथेन के लिए वैसे ही आएगा कि एक बार नीचे जाएंगे, एक बार ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्लिप्स बार बार आएगा और यहाँ पर स्टैगर्ड बार बार आएगा, और ये हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल। हाँ ये वैल्यू बदल जाएगी, ये वैल्यू बदल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना, बाकी सब ग्राफ वैसी है। तो हमको कुछ भी दे देगा हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, समझ में आया बेटा? इसको भी आप हाईलाइट कर लो अपने नोट्स में। डन सर। इसको भी ड्रॉ कर लो बेटा। नो सर। इसको भी ड्रॉ कर लो बेटा। डन सर। यस बेटा, देन यू कैन लीव। अगर ये कॉपी कर लियो देन यू कैन लीव, और नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ दिस। इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर हम लोग ये खत्म होने के बाद
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। यस ओके।